दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में बादल मेहरबान हुए हुए हैं। इन इलाकों में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जता दी थी। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और यहां दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट भी आया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। आपको यह भी बता दें कि बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, गाड़ियां सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, एक जो पहली तस्वीर है वो बहादुरगढ़ की है, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जो दूसरी तस्वीर है वो झज्जर की दिखाई जा रही है, यहाँ लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो गाड़ियां हैं वो धीमी होती नजर आ रही है। जो तीसरी तस्वीर है वो सोनीपत की दिखाई जा रही है, जहाँ आप सड़क पर देख सकते हैं कि वाहन काफी ज्यादा कम संख्या दिख रहे हैं। और जो चौथी तस्वीर है वो गुरुग्राम की दिखाई जा रही है, और देख भी सकते हैं आप जिस तरीके से जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है और लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बारिश लेकर जो सैलाब उमड़ पड़ा है वो भी आप देख सकते हैं, लगातार लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, सड़कें जो है वो तालाब की स्थिति में पैदा हो गई है। ये चार तस्वीरें आपको हरियाणा की दिखाई जा रही हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत और गुरुग्राम की चार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ जो कागजी कार्रवाई की जाती है लेकिन उसमें सिर्फ कागजी कार्रवाई ही रह जाती है, लेकिन असल में जो अंजाम होता है, जो कार्रवाई की जाती है वो बिल्कुल भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। एक तरह से अगर बात कर ली जाए तो कागजी कार्रवाई तो की जाती है लेकिन प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी जोर नहीं दे रहा है, प्रशासन बिल्कुल भी सुन नहीं रहा है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, गाड़ियों की जो गति है वो धीमी होती नजर आ रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं, तस्वीरें यहाँ पर हरियाणा न्यूज आपको दिखा भी रहा है। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। राहत की अगर बात कर ली जाए तो एक तरफ अगर लोगों को राहत मिली है तो दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर सामने आई है। एक तरफ जहां लोग बारिश की मांग कर रहे थे कि बारिश होनी चाहिए, उन्हें राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अब बारिश एक आफत का मंजर लेकर आई है। हाँ, बारिश एक तरह से सैलाब बनकर उमड़ पड़ी है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोगों को और घर जाने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो जिन्हें रोज आना जाना होता है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन और यहाँ पर निगम की बात कर ली जाए तो प्रशासन और निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ दावे किए जाते हैं कि यहाँ सड़कों का निर्माण किया गया है, जलभराव की स्थिति जो है वो लोगों के लिए पैदा नहीं होगी, जो गड्ढे हैं उन्हें भी भर दिया जाएगा, वो भी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सिर्फ एक कागजी कार्रवाई रह गई है। मात्र एक आप एक कह सकते हैं कि कागजों में एक लिखापटी जो चीज होती है वो रह गई है। ना तो कोई प्रशासन सुध-बुध ले रहा है, ना ही लोगों की समस्याओं को देख रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। जलभराव से लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखा गई और सुबह से ही यहां बारिश हो रही है। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों को जिस तरीके से आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिनचर्या की अगर बात कर ली जाए तो रोज आने जाने वाले, ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, जो इंस्टीट्यूट बच्चे जाते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश यहाँ पर सैलाब लेकर आई है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झज्जर से रमाकांत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ जिस तरीके से रमाकांत हमारे साथ जुड़े हैं वो आपको बताएंगे कि इस वक्त झज्जर में क्या स्थिति देखी जा रही है। यहाँ रमाकांत आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या स्थिति देखी जा रही है। सुबह से बारिश हो रही है, सैलाब उमड़ पड़ा है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त क्या माहौल दिखाई दे रहा है।
जी मैं आपको बताऊं सोनिया कि झज्जर में हालांकि स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल बूंदाबांदी हुई है, मौसम जी बड़ा सुहावना है। कुछ किसान खुश भी हैं और कुछ कहीं ना कहीं नाराज भी हैं। मैं बाजरे और कपास की फसलों की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि जो बाजरे की फसल है वो खेतों में खड़ी है, उससे नुकसान होगा। अगर ज्यादा बारिश होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो धान की फसल वाले जो किसान है वो पूरी तरह खुश नजर आए, क्योंकि जो धान की फसल में अगर ये बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो धान की फसल है और भी ज्यादा होगी। अगर मैं वो झज्जर की बात करूं तो झज्जर में अभी मौसम सुहाना है, हल्की बूंदाबांदी हुई है। अगर और तेज बारिश होगी तो यहां जिस सड़क पर हम खड़े हैं यहाँ 2 से 2.5 फीट पानी भर जाएगा। हर बार हरियाणा न्यूज ने प्रशासन को यह बात बताने की कोशिश करी है कि यहाँ नालों की सफाई की जाए, तो अब मैं आपको बता दूं कि झज्जर में अभी तक पूरी तरह से नालों की सफाई नहीं हुई। कल भी हमारी कुछ व्यापारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज भी नाले कहीं ना कहीं अटे भरे हुए हैं, और अगर फिर से कोई बारिश होती है साथ है जो नाले का पानी है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आएगा, और गंदी नालियों में से जो गंदा पानी है उस पर लोगों को गुजरने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। सामने ही गर्ल्स स्कूल है, बॉयज स्कूल है, यहां पर अमूमन स्थिति है कि बच्चों को गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन प्रशासन है हर बार एक ही बात राग अलापता है कि साहब सब कुछ दुरुस्त कर लिया गया है, अब बारिश से कहीं ना कहीं जो समाधान है वो पूरी तरह से कर लिया गया है। लेकिन अब जैसे ही झज्जर में थोड़ी और बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट करता आ रहा है कि बारिश होगी, तो यहां झज्जर की स्थिति तालाब जैसी बिल्कुल होगी। गांवों में 6-6, 7-7 फीट पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, घरों में दरार आ चुकी है। और अगर शहर की स्थिति की बात करूं तो शहर की मेन सड़कों पर 1.5-1.5 फुट से ज्यादा पानी भी भरने की स्थिति पैदा हो सकती है। जी रमाकांत, जिस तरीके से जल भराव की स्थिति देखी गई, लगातार यहाँ बारिश आ रही है और यहाँ तस्वीरें भी हमने देखी, लेकिन इस बीच यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गड्ढे हैं, लगातार जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, वो सिर्फ मात्र एक कागजी कार्रवाई में रह जाती है। अगर प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई भी सुध-बुध नहीं लेगा, तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शासन है वो लगातार कहीं ना कहीं सुस्त है। हरियाणा न्यूज ने कई खबरें ऐसी दिखाई है कि जहां पर गड्ढों में कहीं ना कहीं जो चाहे बाइक हो या गाड़ी है वहां पर चोटग्रस्त भी हुए हैं। उसके बाद वो सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आते हैं, तुरंत से वो पहुंचते हैं और उसके बाद सिर्फ जो लीपापोती है वो करी जाती है, उसके बाद फिर बरसात आती है और उसके बाद फिर से लगातार जो प्रशासन की पोल है हरियाणा न्यूज खोलने का काम भी करता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो स्थिति है अमूमन बिल्कुल अच्छा दृश्य है। जैसे यहाँ बारिश होगी यहाँ पर गड्ढे हैं और यहाँ पर जो पानी है वो लगातार भर जाएगा, गाँव की स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि गाँव की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, उन गड्ढों को अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। जो सड़कों के हालात है वो सड़कों के भी हालात तालाब जैसे बन जाएंगे। तो प्रशासन को पहले और जो लगातार मौसम विभाग भी सचेत करता आ रहा है कि भाई बारिश का समय है, थोड़ा और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन जो प्रशासन है वो खाने पूर्ति करता नजर आता है। रमाकांत, जिस तरीके से यहाँ लोग आ जा रहे हैं वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और लोगों से बातचीत भी की होगी, फिलहाल जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है? आम लोगों का कहना है कि ठीक है, मौसम मौसम ने करवट ली है, मौसम अच्छा है, लेकिन जो बारिश होगी उससे दोचार होना पड़ेगा। दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों के दिल में एक ही भय है कि साहब यहाँ फिर पानी भर जाएगा तो हमारी जो दुकानदारी है पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि कल रविवार है, आज शनिवार है, तो आज उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो ज्यादा आएंगे, और अगर जैसे ही बारिश हो जाएगी तो यहाँ तालाब की स्थिति हो जाएगी। जो ये दुकानदार है ये पूरी तरह से भय के माहौल में कि अगर साहब आज बारिश शुक्रिया हो गई तो रमाकांत, दुकानदारी नहीं होगी और कल संडे होगा तो 2 दिन का हमें पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं, रास्ते जो हैं वो लगातार जल भराव की मंजर देख रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ बारिश राहत बनकर सामने आई थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए यहाँ बारिश आफत बनकर दिखाई दे रही है। हाईवे जाम है, सड़कें तालाब के जैसे नजर आ रही हैं, तालाब बन चुकी हैं, गड्ढे यहाँ पर इस तरीके से बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन भी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है, कोई जानकारी नहीं ले रहा है कि लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। और लाजपत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, लाजपत से हम जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रही है सुबह से। लाजपत, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, क्या कुछ स्थितियां देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल साधना, देखिए जिस सोसाइटी में हम खड़े हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये गाड़ियों की कतार है,
ये जो ड्यूटी पे जाने वाले व्यक्ति हैं जिनको रोजमर्रा के काम है, ये गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। आज सभी लोग अपने घर पर हैं क्योंकि सुबह से क्या रात से बारिश लगातार जारी है, और बारिश की वजह सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जिला सोनीपत की बात करें तो जिला सोनीपत जो है नगर निगम में भी आता है, नगर पालिका में भी आता है, क्योंकि नगर पालिका जो है वो कुंडली में है और नगर निगम जिला सोनीपत में है। अगर जिला सोनीपत की बात करें तो काफी हालात गंभीर है। हालात इसलिए गंभीर कहेंगे कि जो रोड है वो तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जिन लोगों को सफर तय करना होता है रोडों की सबसे ज्यादा हालात गंभीर है। जहां प्रशासन और शासन की जिम्मेवारी बनती है जिन लोगों के लिए सफर तय करवाएं, क्योंकि जी जो जो रोड है, जो टोल टोल वाले रोड भी है, जो देश के सबसे बड़ा हाईवे है, उसके भी हालात गंभीर है। जो क्योंकि दिल्ली की दहलीज से निकलकर अगर चंडीगढ़ तक जाने वाला जो रोड करें, हाईवे की बात करें, तो उसके भी हालात गंभीर है, क्योंकि उसके काम अभी का जो है काम चल रहा है और बारिश की वजह से रुका हुआ है, तो उस पर भी जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। और अगर अन्य रोडों की बात करें तो अन्य रोडों पर भी काम जारी है, लेकिन चलने के लिए काफी आफत है, और जो गाड़ियां हैं वो जाम की स्थिति बनी रहती है, और दिल्ली जो आना जाना काफी बड़ी आफत बन चुका है, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल जो जिला सोनीपत के नजदीक है, यूपी बिल्कुल नजदीक है, तीन स्टेट यहाँ पर जुड़ती है, लेकिन जो लोग हैं अगर सोनीपत की बात करें तो 70% जो लोग हैं वो दिल्ली से अटैचमेंट है, लेकिन दिल्ली जाना काफी आफत है, क्योंकि दिल्ली इसलिए आफत भी है कि साधना जो दिल्ली की दहलीज पर किसान भी बैठे हुए हैं, दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए उन्होंने भी यहाँ पर जो है प्रशासन ने भी जो रोड आवागमन भी जो काफी परेशानी है, तो इसलिए रास्ते जो बदलने पड़ते हैं लोगों को, तो वो रास्ते जो है वो गांव से गुजरते हैं या अन्य जगह से गुजरते हैं, उनके हालात काफी गंभीर बन चुके हैं, जिसकी बिल्कुल जिम्मेवारी बिल्कुल कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बनती है। देखिए रोडों में गड्ढे जरूर हैं, उन गड्ढों का इलाज बिल्कुल आजकल जरूरी इस तरीके बनता है, से क्योंकि जो उसमें ये स्थितियां अगर देखी जा समय रही रहते हैं हैं, जो उसमें ये रोड जल या मिट्टी भराव का की जो स्थिति देखी जा रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से जल भराव की स्थिति देखी गई है, लोग आने जाने में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।